Subscribe to our channel, press the bell icon and never miss an update from Latestly. आपको बता दूं कि इस वक्त मुंबई में तेज बारिश हो रही है, बाहर बिजलियां कड़क रही हैं, लेकिन बिजली मेरे साथ है। ये इस वक्त इनका नाम है, ये बिजलियां गिराने आई हैं। इनका नाम है जसलीन मठारू। जसलीन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सबसे पहला सवाल, स्टाइल टू यू मींस? स्टाइल आई थिंक जो आपको पहनना है उसको एक कॉन्फिडेंस के साथ पहनो। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर वो ना ही पहनो। जहाँ भी चल रहे हो कॉन्फिडेंस के साथ चलो। वाह, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर लाइफ में कभी गे एनकाउंटर हो, ओके गे एनकाउंटर हो, आई मीन लेस्बियन, सो सामने वाला इंसान कौन होना चाहिए? प्लीज यार, मुझे नहीं चाहिए। आई एम गोना स्किप दिस क्वेश्चन बिकॉज मुझे ऐसा एनकाउंटर मैं चाहती नहीं कि मेरे साथ हो। बाबा नहीं, बिल्कुल नहीं। वी आर गिविंग इट अ पास। ओके नेक्स्ट, बेस्ट वे टू इम्प्रेस अ स्मार्ट गाय? स्मार्ट गाय, जस्ट बी योरसेल्फ। आपको कोई कुछ भी ऐसा यू नो मुखौटा पहनने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हो वैसे ही रहो। जैसे अगर जसलीन जैसी है वो वैसे ही है, तो उसी से इम्प्रेस हो जाएगा इंसान। जहाँ आपने थोड़ी भी यू नो फेक हरकत की तो फिर वो दैट आई थिंक दैट्स अ पुट ऑफ। जस्सी जैसे कोई नहीं। हाँ, और जसलीन, अगर किसी स्ट्रैंडेड आइलैंड पर आपको छोड़ दिया जाए एक दिन के लिए, ठीक है, तो कौन सा आपके सपनों का राजकुमार आपके साथ होना चाहिए? कोई तो सलमान खान। ओके, सलमान खान नाम लिया है आपने, तो बिग बॉस की कोई याद अभी दिमाग में ताज़ा है? बहुत सा, एक मैं नहीं बता सकती यार, बहुत बहुत सारी हैं। बिग बॉस के घर ने इतनी चीज़ें मुझे सिखाई हैं, इतने यू नो एक्सपीरियंसेस वहाँ पे मुझे अच्छे वाले मिले हैं कि एक नहीं बता सकती। बट हाँ, मैं वो डेट नाइट जो है हमारी, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। जिस तरह बिग बॉस ने हमें वो टास्क दिया था, मुझे और अनूप जी को डेट पे भेजा था, और वो बहुत ही स्पेशल था क्योंकि वहाँ पे बिग बॉस ने यू नो तरह तरह के टिक्काज और चिकन और ये वो, और हमने 3 महीने हम घर में थे और कुछ भी नहीं खाया हुआ था। तो या वो बहुत स्पेशल, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल मोमेंट था। जसलीन, लास्ट में जाते जाते यू हैव टू पिक वन स्माइली अप एंड यू हैव टू एक्ट ऑन इट। एनीथिंग, यू कैन पिक एनीथिंग।